देख सकते हैं यहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह और मनीषा रानी की काराकाट में धमाल एंट्री ने बिल्कुल सबको हिला के रख दिया है। वैसे अगर बात की जाए तो मनीषा रानी की बवाल एंट्री और बवाल लुक ने तो सारे फैंस को बिल्कुल दीवाना बना दिया है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का प्रचार प्रसार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स और साथ में देखा जाए तो बिग बॉस भी फाइनल कर चुकी है और उसके बाद में पावर स्टार पवन सिंह का प्रचार प्रसार करना और पावर स्टार पवन सिंह के लिए वोट मांगना। और इससे पहले मनीषा रानी ने ये भी बताया था कि वो बीजेपी का ज़्यादा समर्थन करती है, लेकिन अचानक पावर स्टार पवन सिंह का समर्थन क्यों करने लगी। पावर स्टार पवन सिंह को हराने के लिए विरोधी पार्टी ने जितना गेम खेलना था वो खेल चुकी है। अब पावर स्टार पवन सिंह को बिल्कुल हरा नहीं सकते, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह लोगों के दिल में उतर चुके हैं और पावर स्टार पवन सिंह देखा जाए तो लेवल वाइज इन्होंने काराकाट में मेहनत किया और इतना ज़्यादा मेहनत अपने लाइफ में वो कहीं भी नहीं किया था जितना मेहनत वो काराकाट में वोट मांगने के लिए कर रहे हैं। बेशक आपको पता है कि एक तरफा पावर स्टार पवन सिंह 100% वोट मिलने वाला और पावर स्टार पवन सिंह को अब विजेता बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की कल काराकाट में बहुत धमाल एंट्री होने वाली है, जो कि एक ऐतिहासिक एंट्री होने वाली है, जिसको लेकर पावर स्टार पवन सिंह ने क्या बोला और मनीषा रानी का भी इंटरव्यू आप यहां पर देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। लोग सब बहुत प्यार है, बहुत जितना प्यार मैं देख रही हूँ यहाँ पे पवन जी को मिल रहा है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि आप लोग और प्यार दीजिए और इनको जिताइए। आशीर्वाद बरस रहा है बरसी का, अच्छा लग रहा है। पूरा काराकाट मय हो गया, पवन मय हो गया भैया। ये हमारी जनता का प्यार है, दुलार है और आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।